गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस, और बस मैं उठ चुकी थी और मैं अपना काम भी कर चुकी हूँ, आधे से ज़्यादा काम कर चुकी हूँ। तो मैं सोच रही थी मैं बैठ के थोड़ा सा एसी में थोड़ा सा रेस्ट मारूँ, क्योंकि सब्जी वगैरह मैंने बना चुकी हूँ। आज का सीन ये था गाइस कि मेरा रोटी खाने का मन नहीं था, तो मैंने रोना के लिए बनाई है थोड़ी सी पनीर की भुर्जी, और साथ में मैंने उसके लिए बनाई चपाती। और मेरा क्या काम कर रहा था कि दिल कर रहा था मैं अपने लिए बनाऊं पोहा, तो मैंने बनाया अपने लिए पोहा और रौनक के लिए बनाई है चपाती। जी रौनक यहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है जी? मैं बस बैठा हुआ। तो गाइस इसलिए बैठा हुआ है, ये किशन जी को उठाऊंगी ना अभी, तो अभी उठाऊंगी किशन जी को भी। इसको मैंने एक्चुअली में गाइस ये इसलिए ऐसे बैठा हुआ है, जबरदस्ती उठाया मैंने इसको, क्योंकि कल रात को हम लेट हो गए थे और एडिटिंग नहीं कर पाया था। इसको मैंने ये बोला कि तू अभी सो जा, तो टाइम पे थोड़ा सा मतलब कि एक से ऊपर टाइम हो चुका था, तो मैंने बोला अभी तू सो जा और सुबह उठ के जल्दी एडिटिंग कर लियो। संडे वाले दिन कौन उठाता है? अभी भी छुट्टी संडे ही है तेरे, अब हर दिन संडे है। हर दिन की बात नहीं है, संडे वाले दिन एक अलग फील आती है कि संडे को सोएंगे। तो गाइस ये इसने सही बोला, संडे वाले दिन अलग सी फील आती है ना, मैं संडे क्योंकि मैं भी ऑफिस जाऊंगी ना अभी, तो मुझे भी लगता है वहाँ पे सब लोग जो बैठे होते ना, सबको ऐसा लग रहा था कि यार संडे है, सब काम कर रहे होते हैं, पर फील जो अंदर से आ रही थी ना वो संडे वाली फील होती है कि हाँ आज संडे है तो आज छुट्टी है, तो हर बंदा ये सोच रहा है। तो मैंने इसको जबरदस्ती उठा दिया आज, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा गुड मॉर्निंग विश कर लूँ, थोड़ा सा काम करके थे अभी लड्डू गोपाल जी को मैंने उठाना है, पूजा पंजी करनी है गाइस, तो इसको उठाया था मैंने, बोला तू फटाफट से अपना नाश्ता पानी कर ले, जो करना है नहा ले, अपना फ्रेश हो जा मेरे जाने से पहले, और मेरे जाने से पहले मेरे सामने एडिटिंग करने बैठ जा। तो पूजा अभी मुझे करनी है गाइस, तो जबरदस्ती इसको उठाया है और ये अपना एडिटिंग करेगा मेरे जाने से पहले, मतलब मेरे जाने से पहले शुरू कर देगा एडिटिंग करना, एडिटिंग में टाइम तो लग जाता है गाइस। तो बस मेरा काम हो गया गाइस, तो मैं अभी थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलूंगी, तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा। तो गाइस आप इस एसी के अंदर कुछ नोटिस कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो बताइए हमें, क्योंकि हमने आज इसको करवाया है सर्विस। ललिता मम्मा भी करवा रही थी आज सर्विस एसी, और ऊपर गोली पापा भी करवा रहे थे, तो मम्मी को मैंने कहा था कि हम भी करवा लेते हैं, तो हमने सर्विस करवाया, एकदम अच्छे से साफ़ हो चुका है और कूलिंग भी काफ़ी अच्छी दे रहा है। जब हमने थोड़ी देर पहले चलाया था ना एसी, काफ़ी अच्छी कूलिंग दे रहा था, हमने पहले थोड़ी देर से मतलब हमने थोड़ी देर से ना मतलब गर्म गर्म भी दे रहा था, लेकिन बीच के अंदर जिसने हमने साफ़ करवाया तब काफ़ी अच्छी हवा दे रही है। तो गाइस आज देखो कृष्ण जी कितने सुंदर लग रहे हैं, वैसे तो रोज लगते, लेकिन आज शायद मम्मी ने ना कृष्ण जी को एक डिफरेंट ड्रेस बनाई है, तो और भी सुंदर लग रहे हैं कृष्ण जी। ये रेड और ये ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे सुंदर है। और यहाँ पे जो माला छड़ी होती है वो भी काफ़ी सुंदर लगती है। ये मैंने भोग लगाया था अभी कृष्ण जी को, तो हाँ बस मस्त लग रहा है। गाइस देखो कैसे खुजाई जा रहा है खुद को, वाइट वाला ऐसे लगे जैसे वो डॉग्स करते हैं। और ये अपना कर रहा है मस्त नाश्ता, सॉरी डिस्टर्ब किया, खा ले ऐश करो ऐश। क्या खा रहा है? अच्छा खा ले सॉरी। तो गाइस मम्मी अभी ऑफिस से आई है और बुआ से लड़ने बैठ चुकी है। मैं नहीं लड़ रही, ये लड़ रही है मेरे से। क्या ये देख ले, अच्छा मैं जो बोलती हूँ मैं करती नहीं हूँ। हाँ, बोला था कि पहले बोले थे एसी में आऊंगी रहने के लिए, आप नहीं आए, फिर आपने बोला अच्छा मई में आऊंगी रहने के लिए, आप नहीं आए। अच्छा ये लड़ाई है, मार्च अप्रैल में स्टार्ट होती हूँ और जाके खत्म होती कहानी जून में। हे भगवान, इतना बड़ा इल्जाम। हाँ, ये इल्जाम इल्जाम है, ये इल्जाम लगाया तूने मेरे पे। क्या लड़ रहे हो बच्चों की तरह? लंबा टाइम इन द सेंस मम्मी की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी ऑफिस से। अबे ऐसे मत बोल, भेजा की छुट्टी कर रहा है मेरे, देखिए जरा। सच कह रहा था मैं तो, मैं भी सोच रही थी कि मैं ना थोड़ा सा लंबी छुट्टी पे आऊं।
पे हूँ, मैं भी सोच रही थी थोड़ा सा, तो देख लेंगे ठीक है। हाँ वो रिलैक्स भी नहीं मिल पाता, मैं छुट्टी मनाने क्यों आ रही हूँ तेरे घर में, रिलैक्स करने के लिए ना। इतना बड़ा इल्जाम मत लगा मेरे पे। अच्छा कोई ना, होता है होता है। शायरी के बर्थडे पे आएंगे, तूने कितने सेकंड में पूरा साल खत्म कर दिया। तो भैया चल लेंगे मम्मा, मम्मा चल ठीक है, इस बार मैं पैदल लिखवा दूंगी थोड़ी ज्यादा छुट्टी, फिर मैं बोल आऊंगी फिर ठीक है। हाँ 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 पक्का पक्का, क्योंकि ये वीडियो है मेरे पास। तो गाइस मैं आई थी मम्मी के घर पे और ये बच्चे हैं कि जैसे ही आओ कोई बात बात नहीं करते, ये फोन लेके बैठ जाते हैं। हाँ जी भी बात कर रहे हो, बात करते हैं पहले फिर गेम खेलते, फिर हमारा जाने का टाइम हो जाएगा तब तक। इतने लेट होगा हम क्या करें, हम क्या करें। अच्छा खेलना ही पड़ेगा, कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं बोला खेलो, नहीं हमारी खुद की मर्जी है। अच्छा खुद की मर्जी है, क्या करने की, गेम खेलूंगी पंजाबी से गल कर ला, छुट्टियां चल रही है घूमन जाना है चेरी ला के अभी लास्ट टाइम मना किया खत्म हो गया लास्ट टाइम कदों का। हाँ अभी जब भी जाओगे ना फिर ला जाना ठीक है। तो गाइस अभी मैं मम्मी के घर पे आई थी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आज मदर्स डे है तो मैं जाके आऊँ मम्मी से मिलके आऊँ, और आज जब मैं ऑफिस से आई थी तो मेरा कैंसिल हो गया था कि मैंने कहा जो छोड़ पड़े एक दो दिन के बाद चली जाऊँगी जैसे भी चली जाऊँगी, पर फिर लता अभी ने बोला कि क्यों ऐसे तू बोल रही थी कल से बोल रही मैं जाऊँगी जाऊँगी, तो जा नहीं रही कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम देखो अभी ज़्यादा हो गया है 10:10 हो गए, मैं अभी आई थी 9:30 ना तो मैं बस अभी जा रही हूँ मिलने के लिए आई थी, और लता हमें बोला कि मिला कोई बात नहीं विश करके आ सामने, वहाँ 15-20 का रास्ता नहीं है तो इस करके मैंने कहा चल मिल लेती हूँ कोई बात नहीं, तो बस मैं अभी मिलकर जा रही हूँ। मैंने मम्मी को ये बैंगल दी थी, मैंने आपको गाइस दिखाई थी ना कि मम्मी के लिए चूड़ी लेकर आई हूँ, तो बस मैंने सोचा कि आज ही देनी चाहिए मुझे, और बस मैंने विश कर दी मम्मा को, और अभी मैं बस थोड़ी देर घर निकलने वाली हूँ और मैं अपनी मम्मी की हैप्पी मदर्स डे विश करूँ। तो गाइस अभी हमें केक कटिंग का इनविटेशन मिला है क्योंकि अभी दादा अभी आज मदर्स डे गाइस, तो उसके लिए जीना भाभी के लिए वो लेकर आई थी केक लेकर आई थी, तो उन्होंने बोला कि केक कटिंग करेंगे, तो अभी बस भाभी ने बोला है कि जीना केक लेकर आई है तो सारे आ जाओ और केक कटिंग करते हैं मिलकर सब। तो गाइस हम आपको वहाँ मिलेंगे इनके रूम में अभी, तो हंस मत अच्छा मेरे पे, उसको पूछी कितने आराम से बैठी हुई है तो हंसी जा रहा है। और गाइस अभी ये केक कट होगा, तो ये सब माओं की तरफ से एक केक है, सब माओं की तरफ से, सब माओं के लिए, सब माओं के लिए है, सब माओं के लिए, सब मेरे साथ मिलके डॉली भी तू भी सब कटवाओ, सोन चाची सब कटवाओ, हां सब कटवाओ गए मदर, तो सारे ही हो, हां मैं ही ढूंढ रहा हूं, सोन चाची होगी क्या, ये जिंदगी में हमारे लिए इतनी बता नहीं सकती, ये तो कुछ भी हाथ से निकल गए हाथों में रेत निकल गए मम्मी बिल्कुल बैठे कुर्सी के ऊपर चलो कोई बात नहीं, उनकी जरूरत थी पता है। और ये हमारी मैडम आई है, अंदर आ जाइए वेलकम, स्लिम एंड ट्रिम, आप पतले कैसे हो रहे राज बताओ, क्या तू तैयार हो, गोली ने मुझे राज सिखाया है ना पतले होने की, अच्छा अच्छा वीडियो कॉलिंग करके बात करती रहती हूं किसी को पता नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक है, और मुझे जो वीडियो कॉल करती है मैं मोटी होती जा रही हूं, हां तो राज है वो कहती चाची मेरे जैसे बनेगी, जो जो बोल पोले मेरी पापा गोल भी थी पाने वाटर बनेगी नहीं मिट्टी। हैप्पी मदर्स डे
हैप्पी मदर्स डे। नहीं नहीं पहले सब फादर है, सब फादर है। पूछी भी, पूछी भी बीच में, पूछी भी मदर बनी थी उसको भी खिला दो। तभी बीच में बैठी हूँ। अरे जरा सा तो चलो आप सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं। ओके तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यहीं पे करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और एक प्यारी सी नई सुबह के साथ। तो गाइस आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और गाइस आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपका प्यार मिल रहा है, आपका सपोर्ट मिल रहा है और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए और हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्सन रोनो को भी फॉलो करिए। जी हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे गाइस, तो आप प्लीज जाके हमें फॉलो कीजिए और प्लीज अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।